बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनर्निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है, परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हों। सत साहि मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना काशी कैलाश में, नाम जप में तप में, नाम व्रत उपवास में, नाम क्रिया कर्म मरता नाम योग सन्यास में, नाम योग सन्यास में, नहीं प्राण में नहीं पिंड में ना ब्रह्मांड आकाश में, नाम तेर कुटी भंवर गुफा में सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जा एक पल ही की तलाश में, कह कबीर सुनो भई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, तो हूँ विश्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं समय, कह कबीर सुनो भई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे तेरे पास में, तेरे पास में, तू ही मेरे बेदम तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे अंतराम तू ही मेरे आदम, तू ही मेरे तिलकम तू ही मेरे माला, तू ही मेरे ठाकुर राम रूप विशाल, तू ही मेरे बागम तू ही मेरे बेला, तू ही मेरे पुष्प राम रूप नवे, तू ही मेरे तरवर तू ही मेरे साखा, तू ही मेरे वाणी राम तू ही मेरे भास, तू ही मेरे पूजा तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे देवल राम तू ही तू ही मेरे पाती, तू ही मेरे पूजा तू ही मेरे तीर्थ राम और नहीं दूर, तू ही मेरे कल्प वृक्ष और काम धैना, तू ही मेरे राजा राम तू ही मेरे सैन, तू ही मेरे मालिक तू ही मेरे मीरा, तू ही मेरे सुल्तान राम
तू ही है वजी, तू ही मेरे मोदरा, तू ही मेरे सहेली, तू ही मेरे मोतंगाराम, तू ही मेरा बेली, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरवा, मैं तेरा चेला राम, तू ही मेरा गुरु, तू ही मेरे कौस्तिक, तू ही मेरे लालम, तू ही मेरे पारशराम, तू ही मेरे माल, तू ही मेरे हीरा, रे मोती, तू ही बैरागर राम, जगमग ज्योति, तू ही मेरे पौमी, तू ही मेरे कुरम राम, तू ही है कलासा, तू ही मेरे सूरज, तू ही मेरे चंदा, तू ही तारायण राम, परम आनंद, तू ही मेरे पौना, तू ही मेरे पानी, तेरी लीला राम कि न हो न जानी, तू ही मेरे कार्तिक स्वामी गणेशा, तेरा ही जान राम दरो हमेशा, तू ही मेरे ही मेरे गोरा, तू ही सावित्री राम ओम अंग तोरा, तू ही मेरे बर्मा शेष महेशा, तू ही मेरे विष्णु राम जय जय आदेश, तू ही मेरे इंद्र, तू ही है कुबेरा, तू ही मेरे वरुण राम, तू ही धर्म धीर, तू ही मेरे सर्वंग सकल व्यापी, तू ही आप अनिराम थाप न थाप, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे स्वासा, तेरा ही जान राम दर ग्रीब दासा, तू ही मेरे पिंडा, तू ही मेरे स्वासा, तेरा ही जान राम दर ग्रीब दासा, द्रुप्त सुता को दिन लीर, द्रुप्त सुता को जाके अंत बढ़ाए चीर, जाके अंत बढ़ाए चीर, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोको समझाई, दुशासन को द्रौपति पकड़ी, दुशासन को द्रौपति पकड़ी, मेरी भगति सकल में शिखरी, सकल में शिखरी, जो मेरी भगत पे छोड़ी ओई, जो मेरी भगत पे छोड़ी ओ, हमरा नाम न लेवे कोई, हमरा नाम न ले, तंदे ही से पासा डारी, तंदे ही से पासा डारी, पहुँचे सुख सम रूप मुरारी, पहुँचे सुख सम खेचत खेचत खेच कशीसा, खेचत खेचत सिर पर बैठे हैं जगदीशा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा, शंखों चीर पीतंबर जी ने, शंखों चीर पीतंबर जी ने, द्रौपदी कारण साहेब की ने, द्रौपदी कारण ने, शंखों चीर पीतंबर डारे, शंखों चीर पीतंबर डारे, दुशासन से योदारे, दुशासन द्रुप्त सुता के चीर बढ़ाए, द्रुप्त सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार न पाए, शंख शंखों पार न पाए,
नितबन कपड़ा देते भाई, नितबन कपड़ा देते भाई, जाके 9 लख बाल दे आई, जाके 9 लख बाल दे आई। अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तात टूट जम जंजीर, अवगत के सो नाम कबीर, अवगत के सो नाम कबीर, तत टूट यम जंजीर, तत टूट पहली आरती हरि दरबारे, तेज पुंज जा प्राण उदारे, पाती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन खंड खंड में आरती गाजे, सकल मई हरि ज्योत विराजे, शांति सरोवर मंजन की जय, जत की दोती ज्ञान अंगोछा मैल न रखे, धर्म जनेऊ सतमुख भाखे, दया भाव तिलक मस्तक दी जय, प्रेम भक्ति ऐसी कार कमावे, कंठी माला से जसमावे, गायत्री सो जो गिनती खोवे, तर्पण सो जो तम संध्या सो जो संध पिछाणे, मन पसरे कुंगट में आने, सो संध्या हमरे मन मानी, कह कबीर सुनो रे ज्ञानी, ऐसी आरती तरबुन तारे, तेज पुंज जा ती पंच पोप कर पूजा, देव नरंजन और न दूजा, अनहद नाद पिंड बरमंडा, बाजत आईनी सदा गगन थाल, जहाँ उड़गन मोती, चंद सूरज जा निर्मल ज्योति, तन मन धन सब अर्पण कीना, परम पुरुष जिन आत्म चीना, उजियारा कह कबीर मैं दास तुम्हारा, संध्या आरती करो विचारी, काल दूत यमर जखमारी, लाग्या सुषमन अनहद शब्द उठे जनकारा, उन मन संयम अगम घर जाई, अच्छे कमल मेरा समाई, तरकुटी संजम देखत निरखत मन हो परशन, प्रेम मगन हो आरती गावे, कह कबीर बुजुर्ग बोर हरिदर जी का मर्म न पाया, जिन यो चोला अजब बनाया, पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास शिव तब की गुजरी बनाई, चंद सूरज दो ठिगरी लगाई, कोटि यतन कर मुकुट बनाया, बिच बिच हीरा आप ऐसी में आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पैरावे, कह कबीर सोए जन मेरा, खीर का कर न बेड़ा, ऐसी आरती अपरंपारा, था के ब्रह्मा अंत कोट जाके शंभु ध्यानी, ब्रह्मा संख वेद पड़बाणी, अनंत मेघर समाला, शब्द अतीत चंद सूरज जाके अंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा, सात समुद्र जाके शब्द अतीत अजब रंग बैना, अंत कोट जाके बाजे बाजे पूरण, तीस कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहंती नारी, तीन पदम सप्त नील कन्वा संग जाना, तीस कोट सीता संग चेरी, सप्त नील राधा दे फेरी, जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण दास गरीब कह नर लोई, यो पद चीने बिरला कोई, दास गरीब कह नर लोई, साहिब सतवादी सब संत हैं, आप अपने धाम, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम, गरीब सतवादी सब संत हैं, आज की अरदास है सकल संत प्रणाम, गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द श्री पिछाणी, कबीर सतगुरु मिले आन स्थान, रो प्या छुडानी, दीनन के जी दयाल, भक्ति वृद्ध दीजियो,
खाने जादे गुलाम अपना कर लीजिए, खाने जादे गुलाम तुम्हारा हूँ सही। भूबे युगा युग पत्र ही बांदी काजा में गुलाम 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 हूँ, खड़ा रहूं दरबार सो आठों तलबदार दर तुम्हारे कुकई। अवगुण अंता पार पड़ी मोहे चुकई, मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो। जानियो मैं घर का बांधी ज्यादा अर्ज मेरी मानियो, जन कहते दास गरीब अपना कर जानी। साक्षी एक है डूंगर डर दयाल, दसों दिशा को दर्शन में ना कहीं जोरा काल। गरीब जय 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 करुणा माई, जय 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 जगदीश, गरीब राग रूप रघुबीर है मोहन जा का नाम। मुरली मधुर बजावई गरीब दास बन जाम, गरीब बांधी जाम गुलाम की। जब लग तुमरा राज गरीब पर लो कोटे अनंत है, धरनी अंबर दौले मैं दरबारी दर खड़ा अचल तुम्हारी पोल। गरीब समर्थ तू जगदीश है, मैं शरणागति आईया तुम हो अदम उदार। गरीब संतों की फुल माले है वर्णोमृत अनुमान, मैं सब हन का दास हूँ करो बंदगी दान। गरीब अर्ज आवाज नाथ की, आवन जाना मेटियो दीजो निश्चल वास। गरीब सतगुरु के लक्षण कहूं चाल भी अंगम बीन, नहीं शंकर ब्रह्मा तीन। गरीब दूजा ओपन आप की जेते सुर नरसाद, मुनिवर सिद्ध सब देखिया सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है। सतगुरु आप अलेख सतगुरु रमता राम है, या मैं मीनन मेख। गरीब पा निदान सुन के सो करता रे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम की कर चंप नहीं उधर जात है वंश। गरीब बलल पंख अनुराग है दास गरीब उदारिया, सतगुरु मिले कबीर गबी ख्याल विशाल। सतगुरु अचल दिगंबर भक्ति है ते आन काया दरियाए, अवगत सहत कबीर नानक दादू में अगादू। जाज खे वट सही सुख सागर के हंस आए, कोटि भानु पर काश पूर्ण रोम रोम की लार है अचल अभंगी। दार है धन सत गुरु उपदेश देवा, चौरासी ब्रह्म मेटई तेज पुंज अन देह धर कर, इस विधि हम को बैठई। शब्द निवास आकाश वाणी चंद सूरज ना पवन ना पानी ना जा छाया धूप, रहता रमता राम साहब अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विटंब कुल का खाबिंद एक है, रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल। सुरत नरत को कमल पठाओ जा दीपक बिन तेल, हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर।
दस गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हरदम खोज हनोज हाजिर तिरवेणी के तीर तीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहे गिरी पर पटन वह परलोक है जा अदली सतगुरु सार भक्ति से उतरे पाया हम दीदार गिरी वैसा सतगुरु हमें ला अलल पंख की जात काया माया न वहा नहीं पिंड नहीं गात गिरी वैसा सतगुरु हमें ला हिरंबर आदे बलका ज्ञान कमाने का गलत है सरसांदे गिरी वैसा सतगुरु हमें ला विदेशी आपे रोम रोम पर कासे है दीन्या अजपा जा आप गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला मगन किए मस्ताक प्याला प्याया प्रेम का गगन मंडल गरगा आप गरीब ऐसा सतगुरु हमें ला सुरत की सहन वैसा सतगुरु हमें ला सुरत सिंधु की सहले बजर पोल पट खोल कर ले गया जिनी गहले गिरी वैसा सतगुरु हमें सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु गिरी वैसा सतगुरु हमें ला सुरत सिंधु के तीरे सब संतन सिर ताजे सतगुरु बदल कभी अबरस गोरस का सुनो बियाना खीर खांड साहेब दरबाना मोहन भोग मानसी पूजा मेवा मिसरी लड्डू जलेबी लाड कचोरी खुरमे भोग आत्म बोरी दही बड़े नुकती प्रसादम पूरी मांडे आज अनादम छुआरे मेवा बाखम नमक नून और घृत कहाव दही तो सब मन भाव शक्कर गुड़ की होत पंजीरी माय जमायण गल पीर जीरा हींग मिर्च हो लाला जबियो कहिए अज मसाला छाछ करणिया चिंता मैं गोरस पिया तिरबुन धनी पापड़ बीन मसाले सारे छत्ती सो व्यंजन अड़कार आम नींबू नोर रंगी बदरी बेरम तूत सिरंगी एता भोग भुगावे कोई एता भोग भुगावे कोई परमात्म के चढ़र सोई परमात्म के दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये अनकी महिमा तीन लोक में जाका रहमा तीन लोक में जाका रहमा दास गरीब ये अनकी महिमा दास गरीब ये महिमा तीन लोक में जाका रहमा तीन लोक में जाका रहमा आज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलन बधाइया जी संग ते भोग गुरानो सुख देना दुख मेटना सुख देना दुख मेटना ताजा रख तन संग ते भोग गुरानो लगिया आज मिलें बधाइया जी संग ते सुरते ती सो खुश किए सुरते ती सो खुश किए नमस्कार तो न संग ते भोग गुरा आज मिलें बधाइया जी संग
अंजल साहेब रूप है, अंजल साहेब रूप है, खुदिया तरिक्षा जाव संग ते भोग लुरानू लगिया, अज मिल बधाइया जी संग ते भोग लुरानू लगिया, चारों युग परवान है, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाव संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिल संग ते भोग गुरानो जो अपने सो और के, जो अपने सो और के, एक पीड़ पिछाने संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिल गुरानो लगिया, भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिल बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया, लख चौरासी जीव का, लख चौरासी जीव का, भोजन बसे आकाश संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिले बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया, करता बरसे नीर होवे, करता बरसे पूरे सब की आस संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिल बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया, देते को हर देत है, देते को हर देत है, जहाँ तहाँ से आने संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिल बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया, अण देवा मांगत फिरे, अण देवा मांगत फिरे, साहेब सुन ना कान संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिले बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया, धर्म तो धस के नहीं, धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोक संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिले बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया, खैरायत में खैर है, खैरायत में खैर है, की जय आत्म पोख संग ते भोग गुरानो लगिया, अज मिल बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया, एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है दान संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिल बधाइया जी संग ते भोग गुरानो लगिया, तीजी यज्ञ है हवन की, तीजी यज्ञ है हवन, चौथी यज्ञ प्रणाम संग ते भोग गुरानो लगिया, आज मिल बधाइया जी संग ते
खुला भंडारा गैब का, खुला भंडारा गैब का, बिन चिट्ठी बिन नाम संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिले बधाइयां जी संग ते भोग गुरानु लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले, गरीब धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिले बधाइयां जी संग गुरानु लगिया। गरीब दास मुक्ता तुले, गरीब दास मुक्ता तुले, धन के सो बलि जाम संग ते भोग गुरानु लगिया। आज मिले बधाइयां जी संग ते भोग गुरानु लगिया। सतसाहे बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। अपनी पवित्र रसना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। ए परमात्मा, हम दीनों के इस टुकड़े को स्वीकार कीजिए। ये बंदी छोड़ पाठ करते समय किसी भी पाठी द्वारा कोई पाठ्यक्रम में त्रुटि रही हो या सेवक द्वारा कोई सेवा में कमी आई हो, हम तुच्छ बुद्धि जीवों को तुच्छ जानकर अक्षमा करना परवरदिगार। सत साही आज लग्या साहेब को भोग, दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या पूर्व ला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। आज लग्या साहेब को भोग, दीन टुकड़े पानी का, कोई जग्या पूर्व ला भाग, सफल हुआ जन व्यंजन क्षति सो ये ना चावे, व्यंजन क्षति सो ये ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि प्रसाद अलूणा ये खा जावे, प्रसाद अलूणा वे बावले देख पराणी का, कोई जग्या पूर्व ला भाग, सफल हुआ दन सम्मन जी ने भोग लगाया, सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट कलाया, सिर लड़के का बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जवाया, पाया फल संत यजमानी का, कोई जग्या पूर्व ला भाग, सफल हुआ जिन भगतों का ये भोग लग जावे, जिन भगतों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नसावे, उनके तीनों ताप नसावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जग्या पूर्व ला भाग, सफल होया
संतों की वाणी है अनमोल, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना दसक अनबोल, इसे ना समझ सक अनबोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद खोल अपनी सतलोक राजधानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया, बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था, हरि ने आके दान दिया था, हरि ने आके दान दिया, पाताल लोक का राज दिया था, पाताल लोक ऊंचा है दर्जा दानी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल हुआ, धर्मदास ने यह गरचाई, धर्मदास ने यह गरचाई, बिन दर्शन ना जीऊं गुसाई, दर्शन देख प्यास बुझाई, दर्शन बावलिया देख कुर्बानी का, कोई जग्या पुरबला भाग सफल होया, दिन जिंदगानी का, रया क्यों मो ममता मैं सोय, मो ममता मैं सोय, जगत में जीवन है दिन दोय, जगत में जीवन है दिन दोय, पता ना आवण होक न होय, पता ना आवण होक न हो, तेरे इस श्वास सलानी का, कोई जग्या पुरबला भाग सफल होया, जीव जो ना सतसंग में आया, जीव जो ना सतसंग में आया, भेद ना उसे भजन का पाया, उसे भजन का आया, गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़े को भी बावड़ा बताया, के कर ले इस दुनिया श्याणी का, कोई जगह पुरबला भाग सफल होया, साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद आया, दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया, श्री धाम छुड़ानी का, कोई जग्या पुरबला भाग सफल होया, जन जिंदगानी, साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, स्वामी राम देवानंद जिन सफल बनाया, दास राम पहल को राज खाया, संत राम पहल को राज खाया, श्री धाम छुड़ानी को, कोई जग्या पुरबला भाग सफल होया, आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या भाग सफल होया, दिन जिंदगानी का, सत साहेब।
कबीर, वो कबीर जो सह शरीर आए और सह शरीर ही चले गए, जो हिंदू के गुरु और मुस्लिम के पीर कहाए, शिक्षा दीक्षा लिए बगैर ही जो सर्व भाषाओं के ज्ञाता कहलाए। बात करेंगे उस महापुरुष की जो कुरूतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले मसीहा कहलाए। वो चारों युगों में सद्गुरु बनकर आए, सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनेन्द्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में वो कबीर कहाए। हम बात कर रहे हैं सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में काशी शहर के लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर सह शरीर प्रकट होने और 120 वर्ष लीला करके सह शरीर ही अपने निजधाम सतलोक जाने वाले उस कबीर की, जो सर्वशक्तिमान अचल अमर अविनाशी परमात्मा है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से, कबीर साहेब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को यह सत्संग प्राप्त हुआ। परमात्मा हमें बार बार बताते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे लख 84 में, और सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया वो फेर नहीं लगता डार है। एक बार आपका शरीर समाप्त हो गया, आप उस शरीर में उसी स्थिति में उसी परिवार में पुनः नहीं सेट हो सकते। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये संसार, ये परिवार और ये संपत्ति, ये कार आप जी की नहीं है। आप जी का उद्देश्य क्या था, मनुष्य जीवन किस लिए आप जी को प्राप्त हुआ, ये ज्ञान सत्संग से ही होता है। और सत्संग उसे कहते हैं जो सदग्रंथों के आधार से ज्ञान हो, जिसमें सदग्रंथों के आधार से ज्ञान सुनाया जा रहा हो। जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे सत्संग कहते हैं। आप जी को सत्संग प्राप्त हुआ, सौभाग्य है आपका। ये समय बार बार उपलब्ध नहीं हुआ करते, युगों पीछे आप जी को ये मार्ग मिला है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। परमेश्वर ने हमें हर प्रकार से समझाने की चेष्टा की है कि तुम भक्ति करते रहो, जो तुम्हारा कार्य है, तुम्हें साधना बताई है वो करते रहो। और एक दिन वो भी आएगा परमात्मा, आपको बहुत से प्रमाण देगा, आपके बहुत से दुखों का निवारण करेगा और फिर सतलोक ले जाएगा। परमात्मा बताते हैं राम रटतना ढील करो, अर्दम नाम उचार, अमी महारस पीजिए ये तत् बारंबार। गरीब कोट गऊ जय दान दे, कोट यज जो नारे, कोट कूप तीर्थ खने, मिटे नहीं जम मारे। पहले तो मानुष जीवन प्राप्त करके ये प्राणी भक्ति ही नहीं करता,
संसारिक क्रियाओं में, नाचने कूदने में, इन बकवादों में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। और कोई साधना करता है पुण्यात्मा, तो उनको दिशा ठीक ना मिलने से वो साधना करता हुआ भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनकी सिद्धि होती है, और न ही उनको कोई गति होती है, अर्थात यूजलेस। तो साधना जो गलत करते हैं उनके विषय में बताया जा रहा है। ग्रीब कोट गऊ जे दान दे कोट यग जो नारे, कोट कूप तीर्थ खने मिटे नहीं जमारे। कोटिक तीर्थ व्रत करो कोट गज करो दाने, और कोटि अश्व विपरो दिए मिटे नखे चाताण। कोट गऊ जे दान दे, इन ऋषि महर्षियों ने, नकलियों ने गौ दान का बहुत महत्व बता रखा था। परमात्मा कहते हैं एक एक गौ के दान की तो बात छोड़, करोड़ गौ दान दे और कोट ये धार्मिक भंडारे करे, यज्ञ कर दे, और कोट करोड़ से ये कुएं बनवा दे और ये बाग बगीचे बनवा दे, मिटे नहीं खेचा ताने, मिटे नहीं जम मार, यम की जो मार है ये तुम्हारी समाप्त नहीं होगी, कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा। कोटिक तीर्थ व्रत करो और कोट गज कर दाने, कोटि अश्व भी परो दिए मिटे नखे चाताने। सत साधना के बगैर, सत साधना के बिना ये अन्य पूजाएं, अन्य कितना ही दान धर्म आप करते हो, आपकी जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों की ये भ्रमणा भटकना नहीं मिट सकती। तीन लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं सतनाम से ने। यदि जिसके पास सतनाम नहीं है, चाहे उसको तीन लोक का भी राज मिले, कहते के बधाई गावा ही तो नरक की तैयारी कर ली। बिन भक्ति क्या होत है भावे काशी क्रोत ले, मिटे नहीं मन वासना बहुविध भ्रम संदेह। भक्ति बिना क्या होत है ये भ्रम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं ही रावण चलती भारे। ओह, परमात्मा कहते हैं बंदी छोड़ कबीर जी, और उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को गरीबदास जी बता रहे हैं कि भक्ति बिना क्या होता है यो भटक रहा संसार, और रति कंचन एक ग्राम सोना भी नहीं प्राप्त हुआ रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सारी सोने की लंका बना रखा था महल, सोने की जैसे हम गारा की ईंट बनाते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बना बना कर उसने महल बना रखे थे। ओए होए, लेकिन सत भक्ति की नहीं, भक्ति तो की उसने तमोगुण भगवान शिव की, लेकिन पूर्ण परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की साधना नहीं की। उसके विषय में कह रहे हैं सत भक्ति बिना क्या होता है ये भ्रम रहा संसार, और रति कंचन, रति माने 100 ग्राम भी, रति कंचन, कंचन मीन सोना स्वर्ण गोल्ड, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, जाते समय 1 ग्राम भी सोना लेकर नहीं गया और फिर नरक में ठोका गया। गरीब धना भगत की धुन लगी बीज दिया जिंदाने, सूखा खेत हरा हुआ काकर बोई जाने।
अपने आत्मा परमात्मा से जो अनहोनी होती हैं और हुई हैं, अब भी हो रही हैं, ये उन्हीं को होती हैं जो सत भक्ति करते हैं, परम संत की शरण में रहते हैं और सच्ची लगन से साधना करते हैं। और पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही सबकी, जैसी कोई भी कोई भक्ति साधना कर रहा है उसकी लाज वही रखता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में बताया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के प्रभु हैं, ये नाशवान हैं दोनों के दोनों, और इनके अक्षेत्र में, इनके राज लोक में जितने भी प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, जीवात्मा सबकी अमर है। फिर 17वें श्लोक में बताया है 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवै ईश्वर है, वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान जो है वो तो इन दोनों से और है, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी उसी से सब कुछ होता है, वही सब कुछ है। जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, उसमें जो भी फिर आगे विकास हो रहा है वो आहार से ही हो रहा है, भाई इतना ही समझना काफ़ी है बुद्धिमान के लिए। तो कबीर परमेश्वर से ही सबको पावर शक्ति, जैसी कोई साधना किसी प्रकार की कर रहा है उस परमेश्वर से ही उसका वो शक्ति मिल रही है और वो उसी प्रकार की प्रोग्रेस उसकी हो रही है। अब जैसे परमात्मा ये भी कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और वो भी संत ने जिस तरह से चमत्कार ना हो, बताओ दोनों बात, कि एक तो न्यू का जात्र न्यू हो जाएगा, वो संत नहीं वो ढेड़ आदमी है, और जिस संत से उपदेश लेने के बाद ऐसे पेटे नहीं भरे, इस प्रकार की रजा नहीं बख्शी गई, तो वो भी संत नहीं है। यानी संत ये नहीं कहता त्रैन्यू होंगे, लेकिन वो क्रिया ऐसी बता देता, वो हंग होंगे, अपने आप होंगे, ना चाहते हुए भी होंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। ये वो परमात्मा है पूरी पृथ्वी का सोना बना दे पर फिर रोटी कितने खाएंगे, ये सब कुछ दे सकता है आपको, लेकिन फिर आपका आड़े जी लग जाएगा, इसलिए इतना ही देते हैं जिससे तेरा काम चल रहा है और परमात्मा की याद बनी रहे। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, आप आरती आप सजे आप किंगर आप बाजे, अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहें, अतिथि ना भूखा जावे। और कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो ना मर देते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल ना मिटावे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसी ऐसा सुख भी ना मांगियो जिस तो भगवान तो भूल पड़े, आग लगे से सुख का जो भगवान तो दूर करे, और बलिहारी उस दुख का जो भगवान याद दिवावे, हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना जिससे तेरी याद बनी रहे। गरीब धन्ना भगत की धुन लगी बीज दिया जिन दान, सूखा खेत हरा हुआ वा का कर वोई जाने। अब खाली खेत हरा हो गया, खाली कांकर बोक आए थे और मौज मचा दी भगवान ने, इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रसायन पीजियो यो अवसर युदावे, पीछे फिर पछताओगे फिर चला चली हो जावे। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा, मनुष्य जीवन की प्राप्ति ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लग गया आपका, और पछ फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते नोकेंगे ठाओ ठाओ चलो चलो, कहते फिर पछताओगे यहाँ से। गरीब कहता दास गरीब है बांदी जाम गुलाम, तुम हो तैसी कीजियो ये भक्ति ही रंबर नाम। गरीब भूमि बड़ो भरोसे डूबे हैं ये कल्पत हैं दो दीन,
सबका सतगुरु कुल धनी ही मगर भया लोलीन। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी के भूमि भरोसे डूब रहे हैं, भटक अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हैं और कल्पत हैं दो दीन, हिंदू और मुसलमान ये दोनों धर्म ये भटक रहे हैं, मार्ग से दूर चले गए हैं। और सबका सतगुरु कुल धनी मगर भयो लोलीन, भूमि भरोसे डूबते हैं। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि मक्का में जाने से मोक्ष होता है और मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका सीधा स्वर्ग भीष्ट जाता है। परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं और पंडित लोग कहा करते थे, ब्राह्मण हिंदू धर्म के गुरु, के जो काशी शहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगर मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है, वो नरक जाता है। परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर जी स्वयं जब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए हुए थे बनारस में, काशी में, तब कहा करते थे कि पुण्यकर्मी प्राणी और सत साधना करने वाला भक्त वो कहीं पर भी शरीर छोड़े, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हो, वो अपनी भक्ति की कमाई से अपने इष्ट के पास चला जाता है, वो नरक नहीं जाता। और दुष्कर्मी प्राणी, सत भक्ति ना करने वाला भक्त, चाहे कहीं पर भी काशी मरो चाहे मगर मरो, वो सीधा नरक में जाता है। लेकिन ये बात उन काशी के पंडितों के गले नहीं उतरे थी। इस भ्रम को मिटाने के लिए परमेश्वर जी कबीर जी ने कहा कि भाई मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और पंडितों तुम मेरे साथ चलो और थारे ये पत्रे वत्रे ज्योतिष जाते सारी इकट्ठी कर ले ला लियो तुम और बता दियो फिर यहाँ उपस्थित लोगों को कि मैं कहाँ गया हूँ, ईमानदारी से बताना। मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सत साधना है, परमात्मा एक लीला करने आए थे, उदाहरण देने आए थे और भ्रम मिटाने आए थे। काशी में क्या कर रखा था इन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, इन दुश्मनों ने हमारे साथ क्या कर रखा था, झूठ ऐसा बहका रखा था हमारे पूर्वजों को कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो श्रद्धालु व्यक्तियों ने, जिनके पास कुछ धन अच्छा था, धनी लोगों ने, विशेषकर वैश्य कुल के लोगों ने, बाणियों ने, उन ब्राह्मणों की बात को बहुत महत्व दिया। उनके बुजुर्ग कहने लगे, बेटा हमारी मृत्यु तो होनी है, यदि हमारा काशी में कुछ दिन निवास हो जाए लास्ट में तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, गुरुजी बताते हैं। तो उन भक्तों ने सोचा भी माँ बाप ने सारी उम्र हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अंत के समय में इनको काशी में कोई किराए पर मकान लेकर नौकर छोड़ जाएंगे, ये वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, गुरुजी के वचन भी सुनते रहेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा, ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर उन गुरुओं ने के स्कीम बनाई कि ये बहुत ज़्यादा उनके श्रद्धालु आन लाएंगे और बाहर कमरा लेंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो हमारे पास ही छोड़ दो अपने माता पिता को, जो इनका खर्चा दो हमें दे दो, हम इनकी सेवा कर दिया करेंगे, यहाँ भक्ति भी करते रहेंगे, हमने भी खर्चा अपनी रोटी बनानी है, इनको भी बना दिया करेंगे। अब लालच में हुआ आफत मोल ले ली उन पंडिता ने, अब बुढ़ा और बुढ़िया ने वहाँ छोड़ा हुआ, उनको महीने के 10-20 रुपए देने लगे। पहले 10-20 रुपए बहुत ज़्यादा होते थे, 20,000 के करीब होते थे। तो ब्राह्मणा के जी सा आ गया उन नकलियाँ के गुरुओं के, जो जो उनके गुरु थे, एक गुरु के पास और 20-20 बूढ़ा बुढ़िया इकट्ठी होगी और बूढ़ा बुढ़िया देख के ना संगवाया जाता, तकलीफ हो जाता है,
अरुण हो गए 10-10, 20-20 एक के पास गुरु जी के पास। अब उन मुश्किल में आच गई के करें या लालच में आप पत्तों मोल ले ली। फिर उन्हें सकीम बनाई उन दुष्टों ने, क्या सकीम बनाई कि भाई एक ऐसी अफवाह फैला दो, एक ऐसी प्रोपगंडा छोड़ दो कि भाई उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि कह दो जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है उसके लिए भगवान की तरफ से एक क्रौत आता है, क्रौत एक आरा होया कर लकड़ी काटने का, लंबे लंबे दांते नु आर पार कर देता लकड़ी को। वो गंगा दरिया के किनारे एक ट्रैक्टर सा बना के ऐसे, और उसके अंदर एक आरा ऊपर नीचे आन का एक थोड़ा सा स्थान छोड़ दिया, और उसके चलाने का हैंडल काफ़ी दूरी पर कर दिया रस्सों से, ढीला छोड़ें तो वो नीचे आ जा, ऊपर खींचे तो ऊपर चला जा। और ये प्रोपगंडा फैला दिया भाई जिसने जल्दी स्वर्ग जाना हो भगवान की तरफ से एक क्रौत आता है, और वो क्रौत जिसने काट देता है उसका सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब परमात्मा पाने के लिए उन बूढ़ा बूढ़िया ने सोची हमने मृत्यु तो होनी है और बुढ़ापे में दुखी हो रहे हैं, और क्यों ना क्रौत ले ले, उसकी एक्स्ट्रा फीस रख दी, एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया 100 रुपये 50 रुपये। अब उन बूढ़ों ने बुजुर्गों ने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम भी तंग आ गए हैं इस शरीर से, और गुरुजी बता रहे हैं कि भगवान की तरफ से क्रौत आने लग गया है, और जो उस क्रौत में अपनी गर्दन हलाल कटवा लेता है वो शीघ्र स्वर्ग चला जाता है बेटा, 50 रुपये फीस लगती है, आप देख लो। अब बच्चा ने सोची माँ बाप की इच्छा है तो ठीक है, माता पिताजी ये 50 रुपये गुरु जी को दे दिए जी, हमारे पिताजी को स्वर्ग भेज दो। अब वो लागे कसाई वाला कर्म करने, वहाँ नीचे गर्दन रखवावे और ऊपर तय करों तावर उन्हें काट दे। इस प्रकार स्वर्ग भेजन लाग गए, क्यों पीछा छुटवाना था उन्हें तो अपना, और प्रोपगंडा फैला दिया कि जो करों तुम्हें शीश कटा लेता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो परमात्मा पाने के लिए पुण्यात्माओं ने वहां गर्दन देनी भी शुरू कर दी, कटवानी शुरू कर ली। तो परमात्मा के बद्दी छोड़ कहा करते कबीर जी, बिना भक्ति क्या होते है भावे कांसी क्रौत ले। क्रौत आरे न बोला करते, वो आरी लंबा आरा होया करता है, कहते भक्ति बिना कुछ निबणते, कांसी में जाके क्रौत भी ले ले गर्दन कटवा ले। और मिटे नहीं मन वासना भाविद भरम संदे, जैसे वो कांसी के लोगों ने उन पंडितों ने ये अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरता है, मगर मगर गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है, और उस कस्बे का उस समय एक बिजली खान नाम का पठान नवाब था, वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हो गया था। एक बार वहाँ अकाल गिर गया था मगर के मगर स्टेट में, मगर रियासत में, और सभी जंतर मंतर कर लिए थे, सभी सिद्ध पुरुषों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि तुम्हारे संस्कार में 4 वर्ष वर्षा नहीं है, 4 वर्ष का अकाल गिरेगा ही गिरेगा। तब कबीर परमेश्वर जी के पास बिजली का पठान स्वयं गए थे, परमात्मा मगर में आए थे, और आते ही वर्षा ने जबरदस्त वर्षा करवा दी थी, सब भर दिए थे तालाब तुलोब सब एक कम एक कर दिया था। उसके बाद उस मगर स्टेट मगर रियासत के यानी मगर कस्बे के सभी व्यक्तियों ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश ले लिया था, हिंदू और मुसलमानों ने। उस मगर के अंदर आधे मुसलमान थे आधे लगभग हिंदू थे, और सभी ने क्योंकि मरता के नहीं करता, फिर ज्ञान समझ में आ गया। तो मगर रियासत का जो नवाब था
वो बिजली खां पठान भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था। उधर से काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो भी कबीर परमेश्वर जी की भक्ति और ज्ञान और शक्ति से परिचित होकर के उपदेशी कबीर जी के शिष्य थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई धरती का भरोसा नहीं रहना चाहिए, तुम कोई तो कहते हो मथुरा में मोक्ष होगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं मुक्ति खेत मथुरा परी और किन्या कृष्ण कलोल और कंस के सी चाणों और सेवा फिरते डामा डोल। तुम्हारी बात बड़ी कर दें, तुम मथुरा को एक मुक्ति क्षेत्र मानते हो, मोक्ष क्षेत्र, अरे उसमें कृष्ण जी ने तो वहाँ नरी मौज मचाई, जैसे मठ गोपियों के साथ बकवाद करी, और उस मोक्ष तुम मानते हो मोक्ष स्थान ही है वो, तो उस मोक्ष स्थान पर कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल उतरा, उन बकवाद प्राप्त हुई, उनका मोक्ष ना होया। तो कहने का भाव ये था कि भक्ति जो यथार्थ भक्ति है उस भक्ति के करने से मोक्ष होगा और मर्यादा में रहते हैं। तो कबीर परमेश्वर ने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम मूर्ख बना रहे हो भोली जनता को, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और मैं स्वर्ग से भी आगे सतलोक में जाऊंगा। अब इस बात ने ब्राह्मण माने क्यों कर, क्योंकि सारी जनता में ढंडोरा पीट रखा कि वामरनिया तो गधा बनेगा, नरक जाएगा। अब पहले आपको एक अमृतवाणी सुनाती हूं परमात्मा की, मगर जाने की। की ना मगर पियाना सतगुरु, की ना मगर पियाना सतगुरु, की ना मगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की ना मगर पियाना सतगुरु, की ना मगर पियाना सतगुरु, की ना मगन पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, जिस काशी को नो कहा करते ना, या मुक्त होता है इस क्षेत्र में, परमात्मा कहे तुम्हारी मुक्ति वाले क्षेत्र में तुम ही रखो, हम तो वहां से मोक्ष प्राप्त करके दिखाएंगे जहां तुम कहते हो गधा बनता है। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो, मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो, साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बियाना हो, चार वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बियाना हो, सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो ज्ञान समुंदर दाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। सट दर्शन जाके संग चाले, सट दर्शन जाके संग चाले, वह गावत बाणी नाना हो, अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बच्चे पोथी पाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, देख सकल जिहाना हो, चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देख सकल जिहाना हो, चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहित जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो।
दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान ना हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीस करी है, दो चादर बख्शीस करी है, दिन यो परवाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में, दास गरीब कबीर अर्श में, वो फर्क ध्वज निशाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कीना मगर पियाना सतगुरु, कीना मगर पियाना हो। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। तो परमात्मा वहां से चल पड़े। 120 वर्ष की उम्र का शरीर था कबीर परमेश्वर जी, दिखा रहे थे अपना। वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था, एक जन साधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे, ऐसे महसूस हो रही थी। और काशी से पैदल चल पड़े। उनके साथ वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा। और काशी के बहुत से व्यक्ति दर्शनार्थ चल पड़े। और काशी के वो विद्वान पंडित मंडलेश्वर भी अपने पोथी बही लेकर के चल पड़े, पत्रे वत्रे और जो ज्योतिष ज्योतिष सारी शोधन खातर वो भी चल पड़े। वीर देव सिंह बघेल सेना इसलिए लेकर चला था कि मैं गुरुदेव जी के शरीर को यहाँ लाऊंगा जब ये शरीर छोड़ देंगे, और हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। हम मुसलमानों के हाथ अपने गुरु जी के शव को नहीं जाने देंगे। अब बिजली खां पठान मुसलमान को जब ये पता चला कि गुरुदेव यहां आ रहे हैं और काफी व्यक्ति भी दर्शनार्थ आ रहे हैं और गुरुजी यहां पर अपना जीवन लीला अंत करेंगे, और वीरदेव सिंह काशी नरेश हिंदू के इरादे से भी परिचित हुए कि वो शरीर को लेकर जाएंगे, तो बिजली खां पठान ने भी अपने मुसलमानों से सलाह की। तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने गुरुदेव के अपने पीर के शरीर को हिंदुओं को नहीं देंगे, हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो आपस में युद्ध भी करके प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर कबीर जी वहां पहुंचे तीसरे दिन पैदल चल के, क्योंकि बनारस से काशी से मगहर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है, तो बिजली खां पठान से ने प्रणाम किया, कहो गुरुदेव, परमात्मा ने अपना कारण बताया वहां पहुंचने का, और कहा कि बिजली खां मैं स्नान करूंगा, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करो। बिजली खां पठान ने कहा गुरुदेव जल ला रखा आपके लिए, शुद्ध जल स्नान के लिए। परमेश्वर ने कहा कि कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में दरिया में स्नान करूंगा। अब बिजली खां पठान ने कहा कि यहां एक दरिया बहती थी आमी नदी, लेकिन वो भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है, उसका पानी खत्म हो गया, वह सूखी पड़ी है। परमेश्वर जी ने कहा कि चलो दिखाओ मुझे कहां है वो आमी नदी। जहां परमेश्वर खड़े थे वहां थोड़ी सी दूरी पर, 2-3 एकड़ के दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर वो दरिया सूखी पड़ी थी। परमात्मा ने वहां खड़ा होकर साथ में हजारों की संख्या में दर्शक, और परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ से संकेत, जैसे ये ट्रैफिक का सिपाही कराया करे, ऐसे कर दिया क
क्या देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एकदम पानी से भरकर नीचे से पानी इतना जोर से निकला और पूरी दरिया भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सब ने स्नान किया, जलपान किया, स्नान किया, जल पिया। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई एक दो चादर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीर देव सिंह बघेल, तुम सेना किस लिए लाए हो? दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, जो सामने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम इन हिंदू काफरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा रे बोले आदमियों, निकम्मियों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो, आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो बने खड़े हो, खबरदार जे तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन इज्जत चना थी उनके, फिर भी अगर तुमने तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक सदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और सदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आदि आदि बांट लेना, तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, ग्रह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में यूं थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे फिर तो हम आप देख लेंगे, हाँ फिर हम ना मानना किसी की नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर छोड़, वह शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, जितने सबके समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल, और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की के भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजोमय शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे एक दूसरे के, बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे के ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने का लगाया, आपस में सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है, और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे। अपुण्यात्माओं, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं, इतनी लीलाएं प्रभु करके गए। आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है एक चद्दर और आधे व सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज भी ये दास उसको, आज भी विद्वान है ये दास, बहुत बार उसको देख कर आया है, और हमने उस फोटो खींच कर लाए थे उनके, दोनों अलग अलग बने हुए हैं। तीन बार ये दास भी
संगत को साथ ले जाकर दिखा कर जाए प्रमाण करने के लिए कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है। तो पुण्यात्माओं उन्हीं में से कुछ फूल अकेले ला करके बनारस में काशी में भी एक चौरा बना दिया बिजली खां पठान ने, और वहाँ दोनों यादगार अलग अलग हिंदू और मुसलमानों की आज भी हैं, और उनका कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कति बीच में दीवार भी नहीं है, एक ग्रिल ला रखी है बीच में पार्टीशन के लिए, जैसे ये ग्रिल लगी हुई नथ, और आपस में बीच में एक सामूहिक गेट भी है। दर्शक जाते हैं, दोनों को देख कर आते हैं। अपुणात्मा परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु संगत छोड़ के चाहे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए फिर काल के अधीन। जो भक्त कुछ दिन इस भक्ति को करके किसी भी कारण से दुर्भाग्य उनका होता है, वो विमुख हो जाते हैं, वो भक्ति यहाँ से यहाँ आना छोड़ देते हैं, गुरुजी से उसका अपना संपर्क समाप्त कर लेते हैं। और वो कुछ एक ऐसे नालायक थे, अनजान अनाड़ी थे, वो कहने लगे कि हम तो घर पर भक्ति कर लेंगे। पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के अर्चे लाख वर्ष जप कीन, इंद्री कर्म ना मोक्ष होए, ना तो कोई कर्म कटे और ना ही मुक्ति होए, फिर काल के अधीन। पुण्यात्माओं हमें यहाँ से 21 ब्रह्मांड काल के और सात संग ब्रह्मांड इस परब्रह्म के, इनको पार करके जाना है। और इन जब यहाँ से भक्ति युक्त प्राणी चलता है, यदि उसके साथ सतगुरु नहीं है, वो नहीं जा सकता 10 कदम भी। रास्ते में पता नहीं कितने कितने बखेड़े हैं, ये काल का बहुत भयंकर जाल है। हमने उन्हीं रस्तों से जाना होता है, जैसे हम शरीर में ही हमारे कमल बने हुए हैं, इन कमलों में से हम चलेंगे तो सबसे पहले गणेश जी का लोक आवेगा, और गणेश जी के लोक में हम जाएंगे, गुरु जी साथ होंगे, तो वहाँ आपका अकाउंट क्लियर करा के आपको फिर आगे ले चलेंगे। और यदि सतगुरु साथ नहीं है, और आपकी पिछली पुण्य कमाई पिछली है, और आप गुरुद्रोही बने नहीं, वैसे भक्ति छोड़ दी, आना बंद कर दिया, तो वो जो पिछले उस दौरान गुरुजी के संपर्क में रहने के दौरान जो तुमने भक्ति की, ये 7 मंत्र की या 2 मंत्र सतनाम की और सार नाम की, तो गणेश जी का जो जाप आपको दिया जाता है उन 7 प्रथम मंत्र में, उस मंत्र की कमाई से आप जी पहले गणेश जी के लोक में जाओगे, और वहां पर इतने नाच गाने डांस बड़ी पता नहीं कितने हर तरह की, यानी आत्मा वहाँ जाती है तो उसका सूक्ष्म शरीर होता है, स्त्री जाती है तो स्त्री वाला ही होता है, पुरुष जाता है तो पुरुष वाला ही होता है। तो प्रत्येक लोक में जाते ही वहाँ हर तरह के नाचने गाने बकवाद, तो अकाउंट कराना तो भूल जाते हैं, उस रेस्टोरेंट में भ्रमित हो जाते हैं, और फिर वहाँ उनको गण बना दिया जाता है, उन्हीं की पुण्य कमाई से वहाँ वो ठाठ करते हैं और सारी बकवाद करते हैं, नाचने गाने डांस कोई काम में कोई ना, जैसे रेस्टोरेंट में चले गए वहाँ अपनी पूंजी खर्च होती है, वहाँ कुछ भी बकवाद देखो और खाओ सुनो, तो वो पूंजी नष्ट होते ही वहाँ से बाहर निकाल देंगे, फिर विष्णु के लोक में, विष्णु जी के लोक में जो आपने मंत्र जाप कर रखा है उसकी कमाई समाप्त होती है, फिर शिव के लोक में, वो कमाई खत्म होते ही फिर दुर्गा के लोक में, फिर दुआ वो कमाई खत्म होते ही फिर आपका जो सतनाम का प्रथम और द्वितीय मंत्र है, प्रथम मंत्र जो ओम नाम है वो ब्रह्म का, फिर ब्रह्म लोक में, और दूसरा जो तत्व मंत्र है उसके लिए इस काल ने इस एक अपने एक ब्रह्मांड में ब्रह्म लोक में ही अलग से नकली सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक की रचना रच रखी है,
उस दूसरे मंत्र की जो सतनाम के अंदर जो दो मंत्र हैं उनके उसकी कमाई से उसको ऊपर नकली सतलोक में छोड़ देते हैं। और जिसने तीसरे नाम का भी जाप कर रखा है उसके लिए काल ने वो आगे के अलख लोक रगम लोक और बना रखे हैं नकली, उनमें पड़ा रहे। और जब इसका कत्ती सारा नाश हो ले भक्ति का, फिर नरक में ठोक देते हैं। यानी इस प्रोसीजर में हजारों युग बीत जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता त्रिगेला के बिरान मैटी हो रही है। तो सतगुरु कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आड़ छुटा हूं तो। अब कई पुण्यात्मा को ज्ञान तो खूब सुन लिया, और कोई दुर्भाग्यवश यहां से दूर भी हो गए तो वो फिर इससे या तो शिव मंडल में शिव के लोक में या ब्रह्मा के लोक में या विष्णु के लोक में जा रहा है, फिर वहां कमाई व मौज मार रहा है। तो उसके हृदय में यू ज्ञान अंतःकरण में समाया हुआ है तो उसको याद आवेगा कि गुरु जी तन्यू क्या करते, कबीर परमात्मा के ज्ञान को बताते थे, यहाँ तो हमारी पूंजी नष्ट हो रही है, हम तो गलत आ गए, हमने तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। कहता वहाँ भी तू हृदय से रोएगा ना मेरे लिए कि भगवान मन छुटा लो, कहते वहाँ से भी तुझे छुड़ा लाऊंगा। अब देखो पुण्यात्माओं ये सु अवसर आपके लिए, जैसे पारते हो गए तो हो गए, नहीं यू किया हुआ कर्म शुभ तुम्हारे साथ रहेगा, फिर उसका फायदा क्या होगा, के बनेगी। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूलना नहीं थे वहां भी आन छुटाऊं तो। मान ले आप चले गए गुरु जी से यहां से विमुख हो गए और आप चले गए विष्णु जी के लोक में और वहां आपका याद आ गई, ओहो रही हम तो गलत आ गए भगवान, या तो बहुत गलत आ गए, हमारी पूंजी नाश होगी। वहां भी आप रोने लग गए तो वो मालिक परमेश्वर आएंगे और वहां से भी आपको ले जा करके कहां रखेंगे, यहां एक मिनी सतलोक है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक है, परमात्मा का अपना राजदूत भवन है, जैसा प्रत्येक देश में प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, ऐसा परमेश्वर का एक स्थान है। तो उन आत्माओं को जिनकी पूंजी व्यर्थ ना होने दी, जिन याद आएगी उनको वहां से लेकर वहां रख देंगे अपने मिनी सतलोक में और बीज रूप में, और वहां परमात्मा के लोक में मिनी सतलोक में परमेश्वर की तरफ से सब आपको सुविधाएं आहार मिलेंगे, उससे आपकी पूंजी नष्ट नहीं होगी। उस वापस फिर उस पूंजी के आधार से आपको फिर पटकेगा परमात्मा सतयुग में। सतयुग में आप हजारों लाखों वर्षक जियोगे लेकिन साधना गलत करोगे, क्योंकि आप नीचे आने के बाद भगवान की गति नहीं मानते और जैसा भी काल ने भ्रमित कर रखा है वही साधना पर लगे रहोगे, लेकिन वो सुविधाएं वो सुख आपको होंगे पूर्व जन्म की कमाई से भक्ति से। और आप सोच रहे होगे कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ ये साधना कर रहा हूँ मुझे इसी से सुख है। इस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में आप अपने पुण्यों का नाश कर लोगे, कभी राजा बनोगे कभी पृथ्वीपति बनोगे कभी स्वर्ग में जाओगे हैं, और फिर आप कलयुग में होगे, और कलयुग में आपका मानव जन्म होगा, फिर यही प्रोसीजर फिर होगा आपको, फिर कभी आकर के हजारों लाखों युगों के बाद ये सु अवसर प्राप्त होगा। जो परमात्मा की शरण में नहीं रह पाए, अभी आपको बताया दो प्रकार भक्ति नाश होता है, एक तो परमात्मा से विमुख हो गए और उन्होंने अपने सभी मंत्रों की कमाई ऊपर ब्रह्मा लोक विष्णु लोक शिव लोक दुर्गा लोक ब्रह्म लोक और अलख लोक अगम लोक में नकली में समाप्त कर दी। उसने तो कई लाख युगों के बाद फिर मनुष्य जीवन यहाँ पर छिपा होगा और फिर सतयुग त्रेता द्वापर में जो शेष कमाई है वह खोएगा, फिर कलयुग में ही किसी कलयुग में दाव लगे तो लगे इस समय जन्म होने का। एक दूसरा वो होगा जो परमात्मा याद आ गया विष्णु लोक में जाकर उसको परमात्मा ले गए छुड़ा कर अपने रख लिया मिनी सतलोक में और वहां से फिर पटक दिया, तो वो भी सतयुग से जन्म लेता हुआ बीच में राजा चक्रवर्ती राजा पता नहीं के बनकर
अपने पुनों को बहुत को नष्ट फिर भी कर लेगा, और फिर कलयुग में इसी समय पिछली पीढ़ी में ही दाव लगेगा, लगे तो लगे ना भी लगे। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु संगत छोड़ के लाख वर्ष जप कीन इंद्री क्रमना मोक्ष हो फिर काल के अधी। जब ये प्राणी यहां से चलता है आगे नरी अप्सराएं नाच रही होती हैं या युवा देवता होते हैं, दोनों तरफ के मेल फीमेल को अट्रैक्शन करने के लिए इसने पूरा जुगाड़ कर रखा है। और सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, वो फिर भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है और काल के जाल में फंस जाता है। इसी तरीके से इस काल ने एक जाल फैलाया परमेश्वर के लिए। जब परमात्मा सतलोक को जा रहे थे, दुर्गा ने एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाया और परमेश्वर कबीर जी के पास जाकर के कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर जहूरा हो काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। माया आद अरस से उतरी, अरस माने आसमान से, आदि माया या दुर्गा, माया आद अरस से उतरी ये बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते मेरा देखो बदन जहूरा हो। अरस विमान स्वर्ग में मंदिर, अरस विमान स्वर्ग में मंदिर ये भोग गए हमको सूरा हो। काशी में कीर्ति कर चले झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनो रीह माया, तुम कुटिल नजर तुम घूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, कुटिल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी वो होगे धूरम दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटराणी दासी, मैं तुम्हारी पटराणी दासी रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो जलमल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनो रीह माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। बूर के लड्डू ये बुरादे के कहते ये तू तो ऐसी है। कहे कबीर सुनो रीह माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे वो पछतावे वो तास अकल के कूरा हो। वो बुद्धि भ्रष्ट है जो तेरे से संग करेंगे। काशी में कीर्ति कर चाले झिलमिल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है, ओए होए श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, कहे कबीर सुनोरी माया, हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले वो जलमल देही नूरा हो। देख्या मगर जहूरा सतगुरु, देख्या मगर
जहूरा सतगुरु देखा मगर जहूरा हो, कसी में कीर्ति कर चाले वो जलमल देही नूरा हो, कसी में कीर्ति कर चाले वो जलमल देही नूरा हो। आप परमात्मा कबीर परमेश्वर का और दुर्गा का एक और संवाद आपको सुनाते हैं। माया सतगुर से अटकी रे, माया सतगुर से अटकी। गरीबदास जी कह रहे हैं उनकी एज इट इज वार्ता जो कबीर परमेश्वर और दुर्गा की हुई है वह पहचान के सके वतन दी हो रही है, भगवान को भी ना पहचान सकती, काल के अधीन होकर के सब उल्टे कर्म करा रही है, जीव को यहाँ फंसाए बैठी है। माया सतगुरु से अटकी रे, माया सतगुरु से अटकी, जोगनी हमरे क्यों भटकी रे, योगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी, हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी, तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़े छत्र धारी, मारे बड़े छत्र धारी। अब दुर्गा कहती है सेवा कर सो मैं निकी, सेवा कर सो मैं निकी। परमात्मा कहते हैं हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। अब दुर्गा कहती हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। अब परमात्मा कहते हैं अरी ते तो घाल देई घाणी, अरी ते तो घाल देई घाणी, चलती फिरती क्यों नाही तू, चलती फिरती क्यों नाही। परमात्मा कहते तू जाती क्यों ना जा यहाँ से, हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही, अरी तू गैली है गोली, अरी तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। दुर्गा बोली मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, मेरा शरीर कहते नूर का है, अंदर मैं कह कस्तूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी। परमात्मा बोले तुम किसी राजा पै जाओ, तुम किसी राजा पै जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। दुर्गा कहती है मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा बोले हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर के वासी, हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा, हम तो आद जुगा दीनी जी, हम तो आद जुगा दीनी जी, अरी तुझे माता कहूँ अकधी, अरी तुझे माता कहूँ अकधी। अब दुर्गा जब नहीं पार बसाई, अब मैं देऊंगी गाली, अब मैं देऊंगी गाली, हम तो जोगी ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी, आसन बांधूंगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा, आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई, तीन लोक ना अंगाई तू, तीन लोक ना अघाई, यानी छगे नहीं। परमात्मा कहते हैं तीन लोक के देवताओं की दुर्गति कर रही, इन में नहीं छक्की तू, हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। परमात्मा कहते हैं मेरे सामने क्यों रो रही है कि तेरी दाल गले नहीं, हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणा को जो वो, किसी राजा राणा को जो, तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी, मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। परमात्मा कहते हैं फिर मुंह मोड़ कर चल पड़ी वह लंडी नालायक, हिला देना रे भाई, हिला देना रे भाई, हंसा परसत ही खाई, हंसा परसत ही खाई। अब देखो कितना निर्णय दिया है परमात्मा ने कि जो निकम्मी प्रकार की लड़कियां होती हैं, औरतें हैं,
वो कितना हानि पहुंचाती हैं, और अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में परमात्मा ने फिर कैसा निर्णय दिया है। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे हेत, फेट पड़े छोड़े नहीं क्या मघर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले, फेंट पड़े छोड़े नहीं ये काडे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले, कोई एक साधु उबरे या करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बैने, जाको नहीं पति जिए घूंघट घट में सैन। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बैने, जाके पास न बैठियो जाका कैसा दीन। बदनारी नाही नाहरी ये है जंगल का शेर, बाहर भीतर मारे है मुनिजन की ये जेर। सतगुर हेला देते हैं ये सुनियो संत सुजाने, बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खान। नैना काजर बाहे कर ये खाए लिए हैं हंस, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुल बंस। अपने आत्माओं, हम अपनी बहन बेटियों को जो उपदेश लेती हैं उनको ये इस प्रकार के आडंबरों से मना करते हैं, ये अच्छी बहन बेटियों की नहीं होती। मेहंदी लगाना और फंड करना है, नाखून पॉलिश, ये तो बकवादों की बातें होती हैं। इसलिए हमने भक्त बनना है, अच्छा समाज बनाना है, तो भगवान के आदेश अनुसार ही चलना होगा। नैनो काजर बाहे कर ये खा लिए हैं हमसे, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुलबन से। उल्टी मांग भराए कर ये मंजन कर हैं गाते, मीठी बोले मगन होए ये लावे बहुवित घात। माया काली नागिनी ये अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बातां की बात। अपने आत्माओं, अब ये सारा व्यवस्था ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के कंट्रोल से चल रहा है। अब जो भी यहाँ प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है, ये तीनों गुणों के दबाव से होता है, और इन दोनों ने ही अपने संयोग से इनको रजगुण तमगुण सतगुण योग बना रखा है। इनके प्रभाव से ये सारा कुछ हो रहा है। फिर क्या बताते हैं, जैसे यह माया दुर्गा और ये काल का जो जाल है, ये कुंडली बतावे, कुंडली जैसे एक नागिनी अंडे पैदा करती है, जब अंडों से बच्चे बनने का समय आता है तो अंडों के चारों तरफ वो अपने पूंछ से दूम से चक्कर लगा लेती है, कुंडली लगा लेती है, और अपने मुंह को मोड़कर उनको फोड़ती है, अंडों को फोड़ देती है, उनसे बच्चे निकल जाते हैं। वो निकल कर बच्चों को भी आभास होता है तुम्हारी माँ खाएगी तुम्हें, तो वो बारी बारी खाना शुरू कर देती है। जब तक वो एक बच्चे को खाती है तब तक दूसरे चेष्टा करते हैं उस कुंडली माँ के शरीर के ऊपर से चढ़ चढ़ा कर बाहर, जब उस कुंडली तो बाहर तक पड़ गया, निकल गया तो बच गया, और जब उस कुंडली में उसका ठह गया सारा न खाओगी। तो अब हम इस काल माया की काल की कुंडली में हैं, और ईब ये समय है यहाँ से निकलने का, जो निकल गए तो बच गए, ना तो ये फिर दुर्गति में ऐसे ही रखेगा, इसने कुंडली मार रखी। तो कुंडली में तो कौन कौन निकले, कुंडली में से निकले रे दास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। इस माया की कुंडली से कौन कौन निकले, रविदास जी और दत्तात्रेय, कबीर परमेश्वर की शरण में आकर उनका उद्धार हुआ, अन्यथा नहीं। और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से ये नहीं निकले रणधीर, ना ध्रुव ना प्रहलाद और ना सुखदेव, ये सतलोक नहीं गए, लेकिन आम व्यक्ति से अधिक साधना करके इन्होंने एक अच्छा स्थान प्राप्त कर किया काल की ये कुंडली में। कुंडली में से निकले सुल्तानी और बाजीद, गोपी चंद ना भरतरी लाई डाक फरीद। ना गोपी चंद निकला ना भरतरी निकला, वो शेख फरीद निकला और सुल्तान बाजीद निकला, सुल्तानी अधम सुल्तान अब्राहम अधम सुल्तानी,
और वाजिद जी और शेख फरीद ये कबीर परमेश्वर की शरण मांग के निकले, ना गोपी चंद पार हो पाया ना भर्तरी, लेकिन अन्य व्यक्तियों से अधिक अच्छी साधना उन्होंने की, लेकिन है कुंडली में। जनक विदेही ना उबरे ये नगनी बांधी डाढ़, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़। नानक जी और दादू जी कहते हैं ये सतगुरु की शरण में आकर ही इस नाग काली नागन की कुंडली से बाहर हुए। तीन लोक घाणी घली ये चौदह भवन बिहंडे, माया नगनी खा लिए सकल दीप नौखंड। अब अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में कलम तोड़ महिमा गाई है गरीबदास साहेब जी ने। भाई बोलूंगा निष्पक्ष हो जो चाहो सो की ने, के अपनी क्या और की ये सब ही बदनार मलीन। अब अच्छी नारियों के बारे में, बहनों के बारे में, माइयों के बारे में क्या कहते हैं। गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। पाक माने पवित्र अच्छी, मैली माने निकम्मी। और जा उदर धुर उपजे जाकी भरिए साख। जिस देवी के उदर से ध्रुव जैसे महान आत्मा उत्पन्न हुए, ऐसी देवी सराहनीय है। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाके। जा उदर प्रहलाद थे जाकू जोड़ू हाथ। जिस माता के गर्भ से प्रहलाद जैसी पुण्यात्मा को जन्म हुआ, ऐसी माता आदरणीय है, उसको प्रणाम करता हूँ। कामनी कामनी भेद है, एक उज्ज्वल एक गंदे। जा माता प्रणाम है जहाँ बर्तरी गोपी चंदे। गोपी चंद बर्तरी जैसी आत्माएं जिन माताओं से जन्म लिया, वो माताएं भी आदरणीय हैं। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गुसाई उतरे अनसुईया के नाले। कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विधेयी अवतरे धन माता कुल वंश। नारी नारी क्या करे नारी बहुगुण भेव। नारी नारी क्या करे नारी बहुगुण भेव। जा माता कुर्बान है जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे नारी कंचन कूपे। नारी से ती उपजे वो नामदेव से भूपे। नामदेव जैसे महान आत्मा जिस माँ से जन्म लिया, तो ऐसे नारी नारी में बहुत अंतर है। एक वो पुण्यात्मा जिसने ऐसे पवित्र पुत्र को जन्म दिया, वो माँ नेक नारी हैं। नारी नारी क्या करे नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे ये नामदेव से भूप। गरीब नारी नारी क्या करे नारी भक्त बिलास। नारी से ती उपजे ये धना भगत रविदास। के जिस माता से धना भगत जैसे और रविदास जैसी महान आत्मा पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया, वो माता धन्य है। गरीब नारी नारी क्या करे नारी को निरताए। नारी से ती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे नारी नरकी खाने। नारी से ती उपजे ये नानक पद निर्वाण। कहते हैं प्रत्येक नारी को नहीं पिछड़ा रहे हम, नारी तो नरकी खान है, यानी मनुष्य को उत्पन्न करने वाली माता ही नारी एक खान है, यानी इसी से उत्पन्न होते हैं। और नारी से ती उपजे नानक जी जैसे महान आत्मा। नारी नारी क्या करे नारी सरगुण बेले। नारी से ती उपजे ये दादू भक्त हमेल। गरीब नारी नारी क्या करे नारी का प्रकाश। नारी से ती उपजे ये नारद मुनि से दास। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर। दास गरीब दयाल हैं डगे बंदावें धीर। के नारी से एक ही उत्पन्न नहीं हुआ,
सबद स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर और दास गरीब दयाल हैं डेगे बंदावे धीर। अब कोई कहता भी अभी समय नहीं है, भक्ति नहीं करते, कोई टेंशन होगी है। उन आत्माओं ये टेंशन तो बनी रहेंगी क्योंकि काल का लोक ही ऐसा है। और इन सभी जो छोटी मोटी आपके साथ चल रही है, कोई परमात्मा के नाम लेते लेते भी आपके ऊपर कोई आपदाएं छोटी मोटी आ रही हैं, तो ये विचार करना कि यदि परमात्मा का सहारा ना होता ये छोटी आपदाएं नहीं होती, ना जाने के कहर तोड़ देती आपके ऊपर। अब जैसे आप जी ने परमात्मा का, परमेश्वर कबीर जी का नाम ले रखा है और फिर भी आप पर छोटी मोटी कोई आपदाएं आती हैं, आप ये सोच बैठते हो कई बार मन इतना नालायक है ये परमात्मा से दूर करने के लिए ना जाने कितनी स्कीमें तैयार करता है, अपने हिसाब से सोचता रहता है। क्या सोचते हैं कि मैंने पाठ भी करा दिया, मैंने 4-5 महीने नाम लिए भी हो गए हैं और फिर भी मेरी भैंस मर गई। अब पुण्य आत्माओं विचार करो, आप जी ने कुछ पुण्य किया, आप जी ने सत भक्ति की, जैसी आपने भक्ति की उसका सहयोग तो अवश्य ही मिला है आपको। जैसे सर्दी बहुत है और उस सर्दी के अंदर आप जी ने स्वेटर पहन रखी है और स्वेटर पहनने के बाद भी आपके हाथ पैर ठिठुर रहे हैं, आपको सर्दी लग रही है, तो कंबल ओढ़ना चाहिए। तो बुद्धिमान लोग ये नहीं कहा करते कि मैंने स्वेटर पहन रखी फिर भी सर्दी है और स्वेटर निकाल दूं, क्या फायदा स्वेटर का। कई भक्तों के मन में ऐसी दुर्भावनाएं आ जाती हैं कि हमने इतने दिन हो गए भक्ति करते ने, नाम लिए ने और पाठ भी हम करा रहे हैं और फिर भी हमारे ऊपर आपदाएं आ रही हैं। तो पुण्यात्माओं, जैसे आप जी ने अभी स्वेटर पहनी है और स्वेटर ने अपना काम कर रखा है जैसी उसकी सामर्थ्य है, और कोई नो सोचा है कि के फायदा हुआ, नाम तो मन इतने दिन हो गए भक्ति करते दान करते और इस नाम को त्याग देता हूं, तो वो मूर्ख है। मूर्ख मीन वो ज्ञानहीन है, इस तत्व ज्ञानहीन है, उसको अभी ये ज्ञान समझ में आया नहीं है। अब जैसे उस स्वेटर का जितना अपना प्रोटेक्शन करने का था वो प्रोटेक्शन उसने कर रखा है, लेकिन सर्दी ज्यादा है, उसके लिए स्वेटर पहन, वो जर्सी पहन, और जर्सी से भी सर्दी नहीं लग रही है तो उसके ऊपर का कंबल या चादर मोटी ओढ़। ये नहीं कि सर्दी लग रही है तो इस स्वेटर ना निकाल दूं, जर्सी पहन ली इससे भी सर्दी लग रही है इसको भी फेंक दूं, तो उससे तो सर्दी आपकी जान ले लेगी। तो ऐसे ही आप जी जितने भी भक्ति कर रहे हो अभी तक, उसका सहयोग उतना सहारा आप जी को अवश्य मिला हुआ है। तो ये सोच लेना चाहिए कि आप जी के कर्मों की यह सर्दी बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। आप जी भक्ति भी कर रहे हो, नियमित रह रहे हो और दान धर्म भी कर रहे हो और फिर भी आपके ऊपर आपदाएं हैं, तो आप जी की ये कर्मों की सर्दी बड़ी भयंकर थी। अगर आपने प्रोटेक्शन ना कर रखा होता, परमात्मा की शरण में नहीं होते, तो आपकी जान चली जाती, परिवार में भी बहुत हानि हो जाती। अब तो एक भैंस मरने से ही काम चल गया, भैंस तो और 20 दे भगवान अगर आपकी भक्ति ठीक रही तो। इस प्रकार आप जी ने अपने तत्व ज्ञान को संभाल कर रखना है, इस पर असर करना है, अमल करना है और इसके आधार से अपने इस भक्ति मार्ग पर लगा रहना है। अब कई भक्त कहते हैं जी हमें, मेरे 3 दिन मंत्र ना जपा मैंने, 4-5 दिन मैंने नाम नहीं जपा, क्यों नहीं जपया कि टेंशन हो गई थी। भले आदमी टेंशन तो हो जा, खर
टेंशन भी हो जाए लेकिन भगवान की भक्ति भी अपना करता रहे, दुखी सुखी हो गए। उस टेंशन को भी पड़ी रहेगी लेकिन मंत्र भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब ये तो मंत्र इस काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती को ना गर्भ में को वासनी हो जाए तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में 100 घाटे बाद दे उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान डाल रखी काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिए, कोई घुटी लावे, कोई जुआ खेले, कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, कोई 2 नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी को इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत है कोई ना। और फिर अब ये है भक्ति का समय आ गया, अब ये भक्ति युग आ गया, भक्ति का काल आ गया, समय भक्ति काल बिचली पीढ़ी आएगी। और इसमें काल ने कथित पूरा अंगा ला दिया, ऐसे ये टेक्निकल जो ना ऐसे बना दिए, ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट, कि ये जीव जब भी आँख खुले रात में या तो मोबाइल में बकवास देख ले या सामने टीवी रिमोट से ऑन, उठ के भी ना जाना, रजाई में पड़ा पड़ा ऑन कर ले, उसमें नाचने गाने बकवाद सुन ले, यानी भक्ति से कोसों दूर रहे ये प्राण। अब इसने कितना कुछ, अभी 20-30 वर्ष से आप देख रहे हो कितना कुछ ये साइंस ने तरक्की कर दी, या काल गिवन है, इस काल ने दे रखी है। और परमात्मा ने भी ये समय इसलिए चुना था कि अब ये जो जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं ये मारा काम आवेंगे, एक जगह बैठे और लाखों करोड़ों जगह टीवी में परमात्मा की महिमा को घर बैठे सुन सका करोगे। हम इनमें बकवाद क्यों देखेंगे, हम भगवान देखेंगे, परमात्मा की चर्चा सुना करेंगे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। तो पुण्यात्मा ये परमेश्वर कहते हैं, जिन हर जैसा सुमरिया अर्ता को तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसैनी आब। जिन्होंने जैसी भी भगवान की भक्ति की है उनको उतना ही लाभ अवश्य मिलेगा, और ओस पीने से प्यास नहीं बुझती, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, प्यास बुझेगी गट गट गिलास पीने तो पानी के गिलास पीवा जब प्यास बुझेगी। तो हम पहले क्या करते थे, दान धर्म कितना करते थे, 2 रुपये चढ़ा दिए को 5 मुश्किल थे, 10 चढ़ा दिए तो बड़े खुश होया करते थे, या 100 रुपये का प्रसाद बांट दिया हनुमान जी के मंगलवार ने, हैं तो ये हमारी पूजाएं थी। तो ये तो हम ओस चाट रहे थे, और अब आप देख रहे हो पाठ के पाठ करवाए जा रहे हैं, हैं भगवान के हवन के लिए जोत के पैसे, जोत का घी दान किया जा रहा, ये गिलास के गिलास पिए जा रहे हैं, और इनसे प्यास बुझेगी। कोई पाठ करवा रहा है, कोई वैसे गुप्त दान खूब वैसे दान दे रहे हैं, तो ये गिलास के गिलास पानी के पिए जा रहे हैं, इनसे प्यास बुझेगी, इनसे आपको पूर्ण लाभ होगा। और सतभक्ति मंत्र करेंगे, आजीवन मर्यादा में। अब ये टेंशन तो काल ने या पैदा कर रखी है कि भक्ति ना कर सके, लेकिन इन टेंशनों में ही आपने भक्ति करनी है पड़ेगी। चाहे रो के करो, चाहे खुश होकर कर लो, दुखी होकर कर लो। मान लीजिए कोई घर का सदस्य उपदेशी नहीं था, उसकी मृत्यु होगी, दुख तो बहुत आता है, क्योंकि हमारा एक हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था बन गई, हम रह नहीं सकते, रोना भी पड़ेगा, भाई खूब बुरा हाल विलाप भी करेंगे, लेकिन फिर भगवान भी फिर याद रखे परमात्मा, ये क्या ले गए इतने दिन, उन बातों ने ध्यान रखे कि ये के ले के गया। अगर हम ये भक्ति कर रहा होता, परमात्मा इसके इसको जीवन दान भी देता, इसकी आयु भी बढ़ा देता यदि सत भक्ति करता, और ये लेके क्या गया, सारा जीवन बर्बाद कर गया। तो इस प्रकार इन सब
विचारों को ध्यान में रख के, सब बातों को विचार करके और भजन जरूर करें। चाहे याद तो बहुत आते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं जो साथी परिवार के परिवारजन, लेकिन भगवान भी रो रो के मालिक ने भी याद रखे, मतलब भूला नहीं भगवान को। और भी कई प्रकार की टेंशन हो जाती है, किसी प्रकार की कई चिंताएं होती हैं, लेकिन चिंताएं तो हैं, चिंता भी नाम से ही समाप्त होंगी और परमात्मा की भक्ति तक करनी पड़ेगी, इन चिंताओं में करनी पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग सुनकर समझ कर अपने जीवन को सफल बनाना है और परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। बोलो सतगुरुदेव।